गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं कड़ा प्रसाद, यानी कि आटे का हलवा। जो पंजाबी और सिख लोग हैं वो पहचान गए होंगे कि कड़ा प्रसाद क्या होता है। कड़ा प्रसाद बेसिकली प्रसाद होता है जो गुरुद्वारे में मिलता है। तो चलिए आइए देखते हैं आज हम वो कैसे बनाते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है ये 2 कप पानी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप चीनी। अब इस घोल को हम उबाल लेंगे। इसको हम तब तक उबालेंगे जब तक चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती। ध्यान रखिएगा, इसको आपको वन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी नहीं करना है, सिर्फ तब तक ही उबालना है जब तक चीनी अच्छे से घुल नहीं जाए। देखिए, चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब मैं इसको गैस से उतार के साइड पर रख दूँगी ठंडा करने के लिए। अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, उसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 कप आटा। आटे को हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे हम आटे को इसलिए भून रहे हैं क्योंकि जो गुरुद्वारे में जो प्रसाद मिलता है वो बेसिकली मोटे आटे का होता है, तो इसको दरदरा आटा बनाने के लिए हम इसको थोड़ी देर भुनेंगे। ज़्यादा नहीं भुनना है, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आँच पर इसको घुमाते रहेंगे जिससे अच्छे से ये भुन जाएगा। देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं एंड ये अच्छे से भुन चुका है आटा। अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी। अब एक कढ़ाई ले लेंगे हम। इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 कप देसी घी। ध्यान रखिएगा, जब भी आप देसी घी मेजर करें तो पिघला हुआ देसी घी ही लें, नहीं तो आपकी जो मेजरमेंट है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। तो पिघला हुआ देसी घी 1 कप लेना है आपको। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आटा जो हमने भुना था। अब इसको हम घुमाते रहेंगे धीरे धीरे करके, इसको घुमाते रहें आप। ध्यान रखिएगा, इस टाइम पे आप अपनी फ्लेम लो ही रखेंगे, नहीं तो ये आटा जल जाएगा नीचे से। एंड आपको कंटिन्यूसली इसको घुमाते रहना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। एंड हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका डार्क ब्राउन कलर ना आ जाए। डार्क ब्राउन कलर इसलिए, जो कड़ा प्रसाद जो गुरुद्वारे में मिलता है, आप उसका कलर देखेंगे तो बिल्कुल डार्क ब्राउन होता है कलर, तो उसी का कलर अगर हमें चाहिए तो जितना आपको कलर अच्छा चाहिए डार्क, उस हिसाब से आप इसको पकाते रहें। नहीं तो आप इसको कम भी पका सकते हैं। मुझे जो कलर चाहिए था वो बिल्कुल डार्क ब्राउन चाहिए था, तो करीबन मुझे 10 से 15 मिनट लगे इसको पकाने में। तो देखिए, धीरे धीरे मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे कलर चेंज होता रहा है इसका। देखिए, जितना मुझे कलर चाहिए था इसका, बिल्कुल परफेक्टली वो कलर आ चुका है। एंड करीबन 15 मिनट लगे मुझे इसको अच्छे से पकाने में। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने चीनी का घोल बनाया था। आप धीरे धीरे चीनी का घोल डालें एंड दूसरे हाथ से करछी से घुमाते रहें ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। एंड ध्यान रखिएगा कि आप इस टाइम पर अपने हाथ पर कोई कपड़ा बांध लें, नहीं तो इसकी छींटें आपके हाथ पे आ सकती हैं एंड गर्म लग सकता है। अब इसको आप कंटिन्यूसली घुमाते रहेंगे। एंड इस टाइम पे भी आप ध्यान रखिएगा, आपकी आँच धीमी होनी चाहिए। एंड इसको हम तब तक घुमाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। एंड जैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो ये घी छोड़ना शुरू कर देगा, तो उस टाइम पर ये परफेक्टली रेडी हो जाएगा। इसको करीबन 10 मिनट लगेंगे पकने में, तब तक आप इसको कंटिन्यूसली घुमाते रहें। देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं एंड ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। अभी ये थोड़ा सा और पकेगा जब तक घी अच्छे से ना छोड़ दे। इसको तब तक आप अच्छे से घुमाते रहेंगे।
देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अनियन अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है एंड घी भी बहुत अच्छे से छोड़ दिया है। परफेक्ट कड़ा प्रसाद या आटे का हलवा, जो भी आप कहना चाहें, वो रेडी हो चुका है। इसमें आप इसको ऐसे सादा भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। बच्चों को ज़रूर खिलाएं, बहुत हेल्दी ऑप्शन है। एंड अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन का वो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।